Science lesson 15 Air Around Us. Explanation Part 2. We have read in the previous part that composition of air. What are the components of air? Now we will we have read uh, oxygen. Now we will read about nitrogen. Children, nitrogen is a major component of air. It takes up about 78% of the volume. ऑफ एयर ये एयर में सेवेंटी एट परसेंट इसका अपने मास में अगर कहा जाए तो नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट है थ्रू दो वी ब्रीथ इन नाइट्रोजन अलोंग विद ऑक्सीजन यद्यपि हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं उसमें तो नाइट्रोजन भी मिली होती इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी इनमें से जो जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो नाइट्रोजन एबजॉर्ब हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होती इट इज एक्सपेल्ड आउट विथ कार्बन डाइऑक्साइड वेन वी एक्सेल और ये तब एक्सपेल कर दी जाती बाहर निकाल दी जाती है हमारी बॉडी से जब हम लोग एक्सहेल करते हैं यानी सी ओ टू बाहर निकालते हैं हम लोग ब्रीदिंग के दौरान ओ टू ऑक्सीजन टेकिन करते हैं इनहेल करते हैं तो उस समय नाइट्रोजन भी चली जाती लेकिन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती और जब हम एक्सहेल करते, करते हैं यानी सी ओ टू को एक्सपेल करते हैं बॉडी से तो उस समय ये भी बॉडी से निकल जाती है नाइट्रोजन इज वेरी यूजफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नाइट्रोजन बहुत यूजफुल है इट इज़ एब्सॉर्ब बाई प्लांट्स इन अ डिफरेंट केमिकल फॉर्म एंड फ्रॉम दैम इट इज़ ट्रांसफर्ड टू एनिमल्स ये प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है डिफरेंट केमिकल फॉर्म मीन्स नाइट्रोजन ऐसे तो फ्री नाइट्रोजन है एटमोसफियर में लेकिन ये अपनी फ्री फॉर्म में प्लांट इनको नहीं एब्जॉर्ब कर पाती इसलिए ये केमिकल फॉर्म ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रेट या नाइट्राइट बनाते हैं जिसको प्लांट्स अपने यूज में अब्जॉर्ब कर लेते हैं आफ्टर दैट प्लांट से एनिमल्स में चली जाती है तो कितने परसेंट नाइट्रोजन है हमारे एटमोसफियर में चल रहे सेवेंटी एट परसेंट आफ्टर दैट एयर का जो नेक्स्ट कंपोनेंट्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज देयर इज अबाउट जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर वैन रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड एंड रिलीज इन टू एयर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोग सी ओ टू तो एक्सहेल करते हैं और इस तरह से वो एयर में रिलीज कर दी जाती है हाउ एवर द अमाउंट ऑफ कार्बन डाईऑक्साइड रिलीज बाई प्लांट्स इज मच लेस दैन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज और जो अमाउंट जो प्लांट के द्वारा सी ओ टू कर रिलीज की जाती है वो ऑक्सीजन के अमाउंट में बहुत ही कम होती है बहुत थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट जबकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में रिलीज करते हैं देयर इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यू मोर गैसेज प्रेजेंट इन एयर एंड दे आर कॉल्ड इनर्ट गैसेज और कुछ और थोड़ी सी मात्रा में और दूसरी गैसेस भी एयर में हैं जिनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है चिल्ड्रेन आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट वाई डज ऑक्सीजन नॉट गेट एग्जॉस्टेड कि ऑक्सीजन क्यों नहीं खत्म होता अर्थ पर से देयर इज अ बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर वी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग अब क्या होता है ये बैलेंस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे अर्थ पर बना हुआ एयर में बना हुआ है जब हम वी टेक जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ब्रीदिंग के दौरान एट द सेम टाइम इसी समय एकदम सेम टाइम में ही प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को फोटोसिंथेसिस के दौरान छोड़ते हैं यानी हम सी ओ टू छोड़ते हैं और वो सी ओ टू को ले लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन दे देते हैं दिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ टू गैसेज इन द एयर इस तरीके से जो मेन जो गैस का बैलेंस uh, है वो एयर में बना रहता है इसलिए कभी एयर में ऑक्सीजन uh, एग्जॉस्ट नहीं होती यूजेज ऑफ एयर वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ एयर इज़ इसशियल फॉर आर सर्वाइवल हम लोगों ने देखा कि एयर हमारे लिए कितना ज़रूरी है सर्वाइव करने के लिए इट इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर वेरियस अदर थिंग्स ये दूसरी भी दूसरी चीज़ें भी हैं जिनको एयर की बहुत ज़रूरत होती है मूविंग विंड्स हेल्प विंड मिल्स टू मूव एंड जनरेट एनर्जी एयर की ही हेल्प से क्या होता है विंड मिल्स चलती हैं और एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं जिसको बाद में इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हैं बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ एयर एयर की ही हेल्प से बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं एयर हेल्प द एरोप्लेन्स ग्लाइडर्स एंड सैल बोट्स टू मूव और इस एरोप्लेन चलने में बोट्स वगैरह ग्लाइडर को चलाने में भी हमारे एयर का योगदान है इट ऑल्सो हेल्प द सीड्स, ये सीड्स और पोलन ग्रेन्स को डिस्पर्स होने में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में भी हेल्प करती हैं जिससे सीड का डिस्पर्सल हो जाता है ओके okay. तो इस तरीके से एयर की बहुत सारी यूजेस हैं नाउ चिल्ड्रन, वी विल रीड अबाउट वाई इज एयर गेटिंग डर्टी एयर पॉल्यूशन क्यों हो रहा है चिल्ड्रेन सी दिस पिक्चर इस पिक्चर को ध्यान से देखिए बर्निंग हो रही है ए पिक्चर में क्या हो रहा है स्मोक कम आउट इन वेन द व्हीकल्स रन जब गाड़ी चलाई जाती है तो स्मोक आते हैं इंडस्ट्री से भी स्मोक निकलता है तो कुकिंग फ्यूल फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्यूल फ्रॉम इंडस्ट्रियल स्मोक ये सब कहाँ जा रहे हैं इट दे आर गोइंग टू द एटमोसफियर एंड मिक्स विद द एयर एंड मेक पॉल्यूट द एयर इस तरीके से हमारे हमारा एयर पॉल्यूशन हमारी सराउंडिंग्स में हो जाता है एयर इज गेटिंग डर्टी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज बर्निंग ऑफ फ्यूल फ्यूल का जलाना फ्यूल मीन्स ईंधन होता है कोयला लकड़ी और पेट्रोल डीजल दैट इज़ फ्यूल अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस रिलीज इम इस्मोक एंड हार्मफुल गैसेज इन टू एयर लीडिंग टू एयर पोल्यूशन और जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं जो इंडस्ट्री में काम होता है उससे जो स्मोक वगैरह हार्मफुल गैसेज वगैरह निकलती हैं वो एयर में जाकर मिलती हैं और एयर को पॉल्यूट कर देती हैं पॉल्यूटेड एयर इज़ वेरी हार्मुल फॉर और अगर हवा गंदी हो गई है पॉल्यूट हो गई है तो वह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है वो हमें ब्रीदिंग करने में भी हार्म पहुँचा सकते हैं हमारे लंग्स को जहाँ हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ अगर ये स्मोक या अदर केमिकल्स भी चला गया तो हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुँचाता है रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन इज़ वेरी नेसेसरी इसलिए पॉल्यूशन को बहुत जरूरी है कि कम किया जाए ख़त्म किया जाए इफ द पॉल्यूशन गोज ऑन और अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन इंक्रीजिंग होता रहा बढ़ता रहा सून द एयर विल बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग तो बहुत ही जल्दी ये ब्रीदिंग के लिए अनफिट हो जाएगा एंड वी विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीजेज़ और हमें बहुत सी तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी इफ़ वी वॉन्ट टू कीप द अर्थ सेफ़ अगर हम चाहते हैं कि हम अपने अर्थ को सेफ रखें देन क्लीन फॉर लिविंग एंड क्लीन फॉर लिविंग वी नीड टू कंट्रोल तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें सबके लिए साफ रखना है अर्थ को सेफ रखना है तो वी नीड टू कंट्रोल हमें इस पर कंट्रोल करना होगा और उन एक्टिविटीज़ को कम करना होगा जिससे हमारी एयर डर्टी होती है तो चिल्ड्रेन एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई एक या दो नहीं सबको मिलकर काम करना होगा क्योंकि जहां हम ब्रीथ कर रहे हैं अगर वो एयर ही गंदी हो गई तो हमारे लंग्स को बहुत नुकसान पहुंचाएगी और हम बीमार हो जाएंगे तो इस तरीके से एयर को साफ रखना बहुत ज़रूरी है ओके चिल्ड्रेन थैंक यू सो मच नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड इफ़ देयर इज़ एनी कैरी आई मेक आई विल मेक अदर वीडियो